चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अ पीरियडिक मोशन ऑफ अ क्वायल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ इंड्यूस ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट टी इज गिवन बाय, ई का वैल्यू दी हुई है ई इज इक्वल टू 10 साइन 314 टी, ठीक है, और टी इज इक्वल टू 1/300 सेकेंड में ईएमएफ कितना होगा, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, यानी ई की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। 314 है तो 3.14 इंटू 100 इंटू टी लिख सकते हैं इसको, और 3.14 की वैल्यू पाई के बराबर होती है, 3.14 इज इक्वल टू पाई, तो ये वैल्यू आप लिख सकते हो 10 साइन 100 पाई इंटू टी, ये ईएमएफ की वैल्यू हो गई, करेक्ट है। अब ये टी जो दिया हुआ है 1/300 सेकेंड, ये वैल्यू उठा के रख देंगे हम यहाँ पर, तो इज इक्वल टू क्या होगा 10 साइन 100 पाई 100 पाई इंटू 1/300, दो जीरो से दो जीरो कट गया, 10 साइन पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री क्या होता है डिग्री में, रेडियन में पाई बाई थ्री है तो डिग्री में 60 डिग्री होता है, पाई बाई थ्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये रेडियन में है ये डिग्री में होगा, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री बाई टू, 10 इंटू रूट थ्री बाई टू, टू से कटा 5, ठीक है, 5√3 वोल्ट आएगा, 5√3 वोल्ट आ गया, कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।